आइए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं कि कैसे एक जो ट्रेंडिंग लुक है आजकल, कोई भी आप पोर्ट्रेट फोटोस लेते हैं मोबाइल में तो कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चेंज करना है वैसे लुक पाने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं एक फ्लैट लुक वाला इमेज है। हालांकि कैमरा में आपको थोड़ा शार्प भी दिख सकता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल फ्लैट है, कोई कलर्स एडेड नहीं, स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा है। अभी हम इस चीज़ को ऐसे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा, कैमरा के लेंस में थोड़ा आपको ऑलरेडी कुछ अच्छा ही दिख सकता है। अगर आप फ्लैट वाला लुक देखेंगे तो कुछ लोगों को ऐसे फ्लैट भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कैसे आप इस चीज़ को प्रोफेशनल की तरह एडिट करके थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फुल इमेज। तो इसको कैसे मैंने एडिट किया, फुल ट्यूटोरियल अभी मैं देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, वैसे लाइक और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे अगर आप ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एडोबे लाइटरूम चाहिए, स्नैपसीड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फोटो को पर्टिकुलरली एडोबे लाइटरूम में एडिट किया हूँ। तो अभी छट से मैं रीसेट करके स्टार्टिंग से एडिट करना स्टार्ट करता हूँ। तो इस चीज़ को रीसेट करने के लिए यहाँ पर है, ऑल एडजस्टमेंट्स को मैंने रीसेट किया हुआ है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं। तो लैंडस्केप मोड पर है, आप ऐसे पोर्ट्रेट मोड पर भी रख के एडिट कर सकते हैं, तभी आपको यहाँ पर कंट्रोल्स जो है यहाँ पर मिलेगा नीचे। जब मैं ऐसे लैंडस्केप रोटेट करता हूँ तो सारा कंट्रोल्स राइट साइड पर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर जो फंडामेंटल्स मैं हमेशा कहता हूँ फोटोग्राफी में, तो फंडामेंटल्स को एडिट अच्छी तरह से करना है। तो कैसे करें, सबसे पहले लाइट जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सिंबल है इस पर टैप करने से, जैसे कि आप कैमरा में ऑब्वियसली देख सकते हैं कैसे मैं एडिट कर रहा हूँ, नंबर्स कैसे चेंज हो रहा है, आप बिल्कुल देखकर वैसे ही चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यही फ़ोटो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप खुद एडिट करके देख सकते हैं कि कैसे चेंज होता है। अगेन पर्सनल टेस्ट है, कैसे लुक चाहिए वैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोजर को चेंज करेंगे, जैसे कि फ्लैट एंड न्यूट्रल इमेज है, थोड़ा एक्सपोजर को ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल से देख सकता हूँ कि कहाँ पर ओवर एक्सपोज्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा रेडिश इमेज यहाँ पर आ रहा है ना, तो वहाँ तक हम छोड़ सकते हैं जहाँ पर इमेज में रेड आता है। तो 1.1 ईवी पर मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा नेगेटिव पर लाएंगे और थोड़ा फ्लैट करेंगे इमेज को, लाइक -15 और 17। नेक्स्ट वन इज़ हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स को भी थोड़ा नेगेटिव में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर ऑलरेडी ओवर एक्सपोज जैसा दिखता है ना, तो इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए लाइक -14-15 पर रखेंगे, -18 है। शेडोज़ को कम करके -54 तक जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं टैप एंड होल्ड करूँ तो बिल्कुल शेडोज़ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके वजह से वी विल गो बैक टू लाइक -74 ठीक रहेगा। एंड वाइट्स को लाइक 18 रखेंगे वाइट्स, एंड ब्लैक्स को हम थोड़ा डीप ब्लैक देंगे, जैसे कि लाइक यहाँ पर -24। तो डीप ब्लैक्स यहाँ पर जो ब्लैक रहता है वो डीप ब्लैक रहता है, एंड जैसे यहाँ पर डिटेल्स है वो उठ कर दिखाई देगा। तो ऐसे हमने अभी फंडामेंटल्स को चेंज किया है। इसके बाद टेम्परेचर को मूव करेंगे, तो टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा कूल लुक करेंगे इसको, या फिर कहिए थोड़ा वार्मिश लुक देंगे, क्योंकि बाद में हम इस चीज़ को चेंज करने वाले हैं। लाइक टेम्परेचर 6 रखा हूँ, वैसे ही टिंट को हम +2 या +3 रखेंगे, राइट। नेक्स्ट वाइब्रेंस को हमें थोड़ा बढ़ाना है, नॉट टू मच, थोड़ा ही करेंगे, लाइक +10। थोड़ा जो भी कलर्स यहाँ पर है थोड़ा वाइब्रेंट दिखेगा ओवरऑल इमेज। नेक्स्ट जो सारा मैजिक रहता है कलर्स का, वो मिक्स में रहता है, मिक्स पर पहुँचे हैं हम। तो मिक्स में देख सकते हैं डिफरेंट कलर सर्कल्स है, तो कौन सा कलर सर्कल आप चेंज करके वो चेंज करेंगे, इमेज में जो भी रहता है वो वाला कलर चेंज होगा। तो सबसे पहले मिक्स में सबसे पहला कलर जो है वो एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा है, रेड एंड ऑरेंज। तो सबसे पहले हम ह्यू को नेगेटिव में लेकर जाएंगे, थोड़ा मैजेंटा लुक जो दे रहे हैं हम इस इमेज को, तो इसके वजह से नेगेटिव, लाइक -73-74। एंड सैचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, लाइक +20 या 21। नेक्स्ट वन इज़ लुमिनेंस, ये लाइटनेस एंड डार्कनेस कलर का चेंज करता है। आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं, मैं डिटेल्स एक्सप्लेन किया था कि
क्या चीज़ कैसे चेंज करने से क्या होता है एंड क्यों चेंज करना चाहिए, ये सारा डिटेल वो ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं एडोब लाइटरूम का। तो फिलहाल हम जल्दी से जल्दी चेंज करते जाएंगे। -34 लुमिनेंस थोड़ा डार्क किया हूँ, रेड कलर्स जो भी है। नेक्स्ट वन इज़ ऑरेंज, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का हम थोड़ा लाइट करेंगे ग्रीन साइड। नेक्स्ट वन इज सैचुरेशन, इस चीज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे +35-37 एंड लुमिनेंस को हम थोड़ा डार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लीव्स है उसमें ऑरेंज ज़्यादा है ना, तो वो एक्चुअली नेचुरल लुक देना चाहिए, तो इसके वजह से मैंने ऐसे चेंज किया हुआ है। एंड बाकी सारे कलर्स जो है वैसे ही रखेंगे। इसके बाद डन पर टैप करना है। द नेक्स्ट वन इज़ विनियटिंग एज वेल एज क्लैरिटी एंड डीहेज, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ाएंगे +8 एंड डीहेज को, मतलब यहाँ पर शार्पनेस जो है वो और शार्प बन जाएगा डीहेज को मैं करता हूँ तो। हालांकि यहाँ पर हेज नहीं है, फिर भी थोड़ा डिटेल्स लाने के लिए कलर में +29 ठीक रहेगा। थोड़ा विनियट करेंगे हम ताकि जो सब्जेक्ट यहाँ पर है इस पर फोकस हो, तो -30 एंड मिड पॉइंट भी थोड़ा अंदर लेंगे एंड फेदर ज़्यादा करेंगे एंड राउंडनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे, मतलब कि फोकस हमारा इस पर रहेगा इमेज पर। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि सेलेक्टिव टूल। सबसे पहला जो टूल है सेलेक्टिव है, यहाँ पर आपको प्लस पर टैप करना है एंड अलग अलग सेलेक्टिव टूल्स मिलेंगे, जैसे कि रेडियल हो, ग्रेडियंट हो एज वेल एज ब्रश। अभी इस फोटो के लिए हम रेडियल लेंगे एंड रेडियल को लेने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ऐसा कि कहाँ पर हमको एडजस्टमेंट चाहिए। तो अगर वो इमेज से बाहर जा रहा है या अनवांटेड एरियाज में तो कोई बात नहीं, हम एरेस भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर जो है फेदर रहता है, तो फेदर आप बिल्कुल 100 पर रख दीजिए ताकि वो स्प्रेड होगा, नेचुरल लुक देगा। एंड सेलेक्ट करने के बाद द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ टेम्परेचर पर टैप करना है एंड यहाँ से टेम्परेचर जो है हम इसको माइनस में लेंगे, थोड़ा कूल एंड मैजेंटा लुक देंगे फेस को। देखते जाइए कैसे चेंज हो रहा है, वैसे ही टिंट को भी हम थोड़ा ग्रीनिश साइड लेंगे एंड सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे +14 or 15। ऑल राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलर चेंज करने में, यहाँ पर HSL स्लाइडर का जो रहता है कलर यहाँ पर है, तो अभी इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ऑल द वे इस साइड लेकर जाएंगे पिंक की तरफ, 300 से ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर्स आप, दिस इज़ लुकिंग गुड। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बेसिकली थोड़ा हम शार्पनेस को बढ़ाएंगे एंड वैसे ही क्लैरिटी को ज़्यादा करेंगे। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर टैप करना है, यहाँ पर टैप करने के बाद इरेजर है एंड ब्रश है, तो इसको चेंज करने के बाद इरेजर टूल लेकर जहाँ पर अनवांटेड एरियाज है वहाँ पर ऐसे ब्रश से टचअप देना है। सो गाइस अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसके बाद टिक मार्क पर टैप करना है। तो ये बिफोर इमेज था, दिस वॉज द बिफोर इमेज एंड ये आफ्टर इमेज। अगर थोड़ा पिंक, एक्चुअली कैमरा में थोड़ा टू मच दिखता है क्योंकि कैमरा का सेटिंग्स अलग होता है, वैसे ही अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कलर्स तो बिल्कुल आप यहाँ पर मिक्स पर जाएं एंड जो यहाँ पर कलर है उसका कलर सैचुरेशन हम कम करेंगे। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैट इमेज से हमने एक अलग ही मूड एंड फीलिंग दिया है इस इमेज को। आप भी कर सकते हैं, आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करके देखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला ट्यूटोरियल कैसे चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वैसा ट्यूटोरियल करके आपको दिखा दूंगा। तो दिस वॉज दी एडिट, यहाँ पर मेरे प्रीसेट्स अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो दीज आर माई प्रीसेट्स। ये बेसिकली क्या होता है, लेट मी शो यू क्विकली, कि सिंगल टैप से आपका जो भी पिक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो सारे एडजस्टमेंट्स को रीसेट किया हूँ, मेरे प्रीसेट्स को अगर अप्लाई करेंगे, लेट्स से कि दिस वन मैजेंटा पोर्ट्रेट, तो देखिए इंस्टेंटली सिंगल टैप पर ऐसे चेंज हो जाता है। सो दिस वाज द बिफोर इमेज, दिस इज द आफ्टर इमेज, सिर्फ एक ही बार टैप करने से। तो ऐसे मेरे ट्यूटोरियल्स चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।